मॉर्निंग क्लास फर्स्ट विषय संस्कृत पाठ 9, जिस पाठ का नाम है शरीरस्य नाम, यानी शरीर के अंगों के नाम। आज हम पढ़ेंगे अपने शरीर के कुछ अंगों के नाम। देखिए, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है, आपके बुक में लिखा हुआ है, ऐसे एक चित्र बना हुआ है और कुछ शरीर के अंगों के नाम इसमें लिखे गए हैं, हिंदी में और इंग्लिश में, संस्कृत में। तो हम आज पढ़ेंगे विषय संस्कृत, तो हमको संस्कृत में इसके बारे में जानना है। तो देखिए, हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, पहला आपका है शीर्ष, सिर, सिर मिस होता है सिर, यानी आपका ये सर, हम सर बोलते हैं ना, तो सिर, सिर मिस होता है सिर। दूसरा देखिए आप यहाँ पे ग्रीवा, ग्रीवा मतलब होता है गर्दन, ये आपका, ये गर्दन आपका ना ग्रीवा, संस्कृत में हम गर्दन को ग्रीवा बोलते हैं, ये गर्दन आपका यहाँ पे है। अब तीसरा देखिए मौली, मौली मतलब माथा, ये आपका, इसे हम क्या बोलते हैं, माथा या ललाट। आप चौथा देखिए चक्षु, चक्षु मतलब होता है आँख, जो हमारे पास दो आँख हैं वो है चक्षु, हम संस्कृत में चक्षु बोलते हैं। पाँचवा नंबर देखिए वक्ष, वक्ष मतलब होता है छाती, यानी ये हिस्सा आपका है, ये आपका क्या है, वक्ष है। नीचे देखिए स्कंद, स्कंद मतलब होता है कंधा, ये आपका जो है ये स्कंद है, यानी कंधा। अब देखिए यहाँ पे सातवें नंबर पे हम आ गए, यहाँ लिखा है उदरम, उदरम मतलब होता है पेट, ये हिस्सा जो आपका है ये उदर है, यानी पेट है हमारा, तो इसको हम संस्कृत में उदर बोलते हैं। आठवें नंबर पे पाणि, पाणि मतलब होता है हाथ, ये हाथ जिस हाथ से हमने लिखा है अभी वही हाथ को हम पाणि बोलते हैं, संस्कृत में हम बोलते हैं पाणि, पाणि मतलब हाथ। नौवें नंबर पे देखिए अंगुलियाँ, अंगुली मतलब अंगुलियाँ, यानी जो मेरे पास उंगलियाँ ये सब हैं उसी को हम अंगुल्य बोलते हैं संस्कृत में, उंगलियों को। नौवें दसवें नंबर पे देखिए अंगुष्ठ, अंगुष्ठ मतलब होता है अंगूठा, आप लोग तो अंगूठा भली भांति जानते हैं। तो अब नीचे देखिए ग्यारहवें नंबर पे पाद मतलब पैर, यानी मेरा ये जो हिस्सा है पैर का उसे हम संस्कृत में पाद मतलब पैर। देखिए यहाँ पे आपके बुक में दिया हुआ है पाठ 9 शरीरस्य नाम, ये आपके शरीर के नाम है। यहाँ देखिए चित्र बना हुआ, वैसे लाइन बाय लाइन करके शीर मतलब सिर, ग्रीवा मतलब गर्दन, वक्ष मतलब छाती, पाणि मतलब हाथ, अंगुल्य मतलब उंगलियाँ, अनुष्ट मतलब अंगूठा, मौली मतलब माता, चक्षु मतलब आँख, स्कंद मतलब कंधा, उदरम मतलब पेट, पाद मतलब पैर। ऐसे आपको याद करना है और अपने कॉपी पे लिखना है।